आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें बोला गया टू कन्वर्जेंट लेंस है और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि इससे फॉर्म करता है एक कम्बिनेशन बनता है जिससे और सेटिसफाई करता है वो कम्बिनेशन जो सिस्टम बनता है वो सेटिसफाई करता है नो क्रोमेटिक अप्रेशन मतलब उसमें क्रोमेटिक अप्रेशन नहीं आता है तो बोल रहा है कि इसको कितना डिस्टेंस पे रखा गया सिस्टम को ये फाइंड करना है तो हम देखते हैं तो सबसे पहली बात मान लो एक कन्वर्जिंग कन्वर्जेंट लेंस यानी कन्वेक्स लेंस दो कन्वर्जेंट लेंस रखा हुआ है किसी दूरी पर तो मान लो ये डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है

ये जो डिस्टेंस है जो रोज अलग अलग कलर का लाइट को सेपरेट किया वो इसी डिस्टेंस को हैं, जाता है तो आप देखो ये सेपरेट किया तो ये सेपरेट इसलिए किया कि फोकल लेंथ अलग अलग हो गया वॉल के लिए अलग रेड के लिए अलग यानी फोकल लेंथ अलग अलग होने का मतलब क्या हो गया म्यू जो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो गया यानी जैसे बना लेंस में फॉर्मूला क्या होता है वन अपन एफ इज टू म्यू ऑफ लेंस माइनस वन इंटू वन अपन आर वन माइनस वन अपन आर टू अगर फोकल लेंथ सेम है अलग अलग है और एक ही लेंस है तो आर वन आर टू सेम है तो चेंज क्या हो रहा है तो चेंज म्यू हो रहा होगा यानी म्यू ऑफ वायलेट लाइट के लिए और म्यू ऑफ रेड लाइट के लिए यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वायलेट के लिए और रेड के लिए अलग अलग होगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे यानी फोकल लेंथ म्यू पे डिपेंड कर रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे, पे डिपेंड कर रहा है यानी पावर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है अगर पावर का वेरिएशन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में अगर जीरो आ जाए तो ये सेम एबिकेशन क्रोमेटिक एब्रेशन खत्म हो जाएगा तो पावर का हम यही करेंगे यानी डी पावर का वेरिएशन डीपी बाई डी एन इक्वल टू जीरो तो कर देंगे दिस जगह वो जीरो हो जाएगा डिस्टेंस पे वो हमारा वो डिस्टेंस होगा इसके बीच का सेपरेशन यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसको तो अगर हम सिस्टम का दो लेंस से डी सेपरेशन पे लिखा जाता है तो सिस्टम का पावर क्या होता है पावर इक्वल टू हो होता है पी वन प्लस पी टू माइनस टू पी वन पी टू इंटू डी ये पावर होता है सॉरी यहाँ पे टू नहीं आएगा मिस्टेक तो, तो यानी पावर ऑफ़ सिस्टम गया अब एक इंडिविजुअल लेंस का अगर हम पावर का बात करें तो पावर का बात करें इंडिविजुअल तो लेंस का पावर क्या होता है यही तो वन अपन एफ ही तो पावर होता है यही तो पावर है यानी पावर अगर इसको हम के मान लें इसको अगर के मान लें तो पावर क्या आ गया हमारे पास पावर? पावर आ गया यू माइनस वन इंटू के के किस पे डिपेंड कर रहा है आर वन और आर टू पे इसका फोकस दिया हुआ है अलग है तो इसका भी फोकल लेंथ अलग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो सब के सबके लिए अलग अलग आएगा तो पी वन तो पावर क्या आ जाएगा आपका पावर आ जाएगा पी वन आ जाएगा म्यू माइनस वन इंटू के वन प्लस म्यू माइनस वन इंटू के टू माइनस के वन के टू म्यू माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी अब इसको डिफरेंश कर लेते हैं हम डी पी वाई डी म्यूल टू जीरो करना तो ये आ गया के वन इसका डिफरेंसी करोगे तो यह आ जाएगा के टू इसका डिफरेंसन करोगे तो माइनस के वन के टू टू इंटू म्यू माइनस वन इंटू डी इसको जीरो करो जीरो करोगे तो क्या बन जाता है के वन प्लस के टू इक्वल टू टू के वन के टू म्यू माइनस वन इंटू डी अगर हम ध्यान से देखें, देखेंज तो करें अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई म्यू माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें मल्टी फ्लाई बोथ साइड बाय म्यू माइनस वन तो क्या बन जाएगा के वन इंटू म्यू माइनस वन यानी पी वन ये पी टू बन जाएगा इक्वल टू टू पी वन पी टू इंटू डी यहाँ से d डी क्या आ जाएगा आपको जो सेपरेशन है पी वन प्लस पी टू डिड बाई टू पी वन प्लस पी टू हम जानते हैं पावर टू की होता है वन बाय एफ तो पी वन क्या हो गया वन बाय एफ वन पी टू क्या हो गया वन बाई एफ टू डिवाइडेड बाय टू तो पी वन की जगह क्या हो जाएगा वन बाई एफ वन बाय एफ वन अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस साइड नहीं होगा तो ये सिंपली P1 इनटू P2 हो जाएगा यहाँ पे 2P1P2 तो P1 की जगह 1 by F1 P2 की जगह 1 by F2 ये हो गया तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 1 by ऊपर में से हो जाएगा F1 plus F2 by 2 यानी D कितना आ जाएगा हमारा सेपरेशन जो हो जाएगा 1 by 2 into F1 plus F2 F1 F2 कितना दिया है आपके पास

आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर